if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm home. So friend, ये है बजाज प्लैटिनी PX7 मिक्सर ग्राइंडर, जो एक 500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर है। मिक्सर ग्राइंडर के साथ यहाँ पे एक 400 ml की चटनी जड़ दिया जाएगा, जिसकी हाइट है 4 इंच। गाइस यहाँ पे प्लास्टिक कपलिंग के साथ प्लास्टिक सॉकेट, ऊपर में एक अनब्रेकेबल कैप। गाइस इस कैप में आप देख सकते हैं कि रबर गस्कर दिया हुआ है ताकि लीकेज ना हो। यह आपको व्हाइट कलर में ही अवेलेबल मिलेगा। चटनी जड़ में यहाँ पे 2 ब्लेड दिया गया है। गाइस ये फिलहाल तो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मिक्सर के साथ यहाँ पे एक ड्राई और वेट ग्राइंडिंग जार, जिसकी कैपेसिटी है 1000 ml। इसकी जो हाइट है वो है 6.25 इंच। जार में प्लास्टिक कपलिंग और प्लास्टिक सॉकेट के साथ यहाँ पे एक हैंडल और एक अनब्रेकेबल कैप व्हाइट कलर में। कैप में रबर गस्कर दिया हुआ है। जार तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 ब्लेड दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो फ्रेंड ये है लिक्विड जार, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1500 ml और इसकी जो हाइट है वो है 9 इंच। सो फ्रेंड इस जार में भी प्लास्टिक कपलिंग और प्लास्टिक सॉकेट के साथ यहाँ पे एक पकड़ने के लिए बड़ा सा हैंडल, और ऊपर में आप इसकी जो कवर है ये देख सकते हैं, ये तीनों साइड से लॉक किया हुआ है। ये एक ट्रांसपेरेंट कवर है। सो फ्रेंड ये कैप भी अनब्रेकेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रबर गस्कर दिया हुआ है ताकि लीकेज ना हो। ये वाला जार में 4 ब्लेड दिया गया है। और गाइस ये भी तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और गाइस प्राइस के हिसाब से ये जो क्वालिटी दे रहा है वो एकदम ठीक ठाक है। यहाँ पे 2 साल की वारंटी के साथ एक मैनुअल बुक। और गाइस फाइनली मेरे हाथ में है ये बजाज प्लैटिनी, जो एक ग्लॉसी फिनिशिंग प्लास्टिक से बना हुआ है। तो फ्रेंड मिक्सर में आप लोगों को व्हाइट कलर ही अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे मिक्सर की कुछ ओवरऑल लुक परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उसके साथ साथ मैंने कस्टमर केयर नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आफ्टर परचेस कोई भी इशू हो तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मिक्सर के नीचे 4 रबर स्टैंड ताकि बेहतर ग्रिप मिले। यहाँ पे ओवरलोडिंग स्विच, और गाइस यहाँ पे कुछ मोटर की इंफॉर्मेशन। फ्रेंड यहाँ पे 3 स्पीड दिया गया है, 1, 2 एंड 3। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को 2 पिन प्लग दिया जाएगा, जिसकी कॉर्ड की लेंथ है 50 इंचेस। एम्प्टी मिक्सर की साउंड। तो अभी इसको खोल के देखते हैं कि इसकी जो मोटर है उसमें क्या कॉइल दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे देखने पर तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉपर कॉइल यूज़ किया गया है। अभी आते हैं मसाला टेस्ट में। यहाँ पे मैंने करीब करीब 100 ग्राम ज़ीरा लिया है, जिसे मैंने पहले से थोड़ा भून लिया है ताकि अच्छी डस्ट हो। यहाँ पे मैं 20 सेकेंड तक इसको घुमाने के बाद इसका क्या रिजल्ट आ रहा है ये आप लोग देखें यहाँ पे। सो फ्रेंड सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही किचन रिलेटेड और होम रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं। इस मिक्सर को लेके आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका सही आंसर आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे देखिए गाइस कितनी अच्छी तरह से ये डस्ट हो चुका है। यहाँ पे जो 2-4 गोटा गोटा जीरा है वो ढक्कन के ऊपर ही रह गया था, वो कोई मैटर नहीं करता है। सो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।